ओके सो बाइक हमने चला ली। बाइक यार चलाने में क्या ही स्मूथ थी। फोर्थ गियर पे था मैं और 20 की स्पीड में कर रहा था। गाड़ी में उतनी नॉकिंग की आवाज़ नहीं आ रही थी। आज स्टॉप सुनते हैं कैसा है। हो जाएगा अमित, हो जाएगा। So why is it so hard to let you go? हेलो गाइस, स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। सो आज का ब्लॉग होने वाला है हमारे एक बेलेली के ऊपर, और जो सेकंड पार्ट होने वाला है वो हमारे होने वाला है जिम का। क्या है कि हमारे जिम का इनॉग्रेशन है, इनॉग्रेशन बोलता हूँ, जिम का 1 ईयर हो गया है, तो इसलिए एक छोटा सा सेलिब्रेशन है और उस पर हम भी इन्वाइटेड क्योंकि हम जिम के मेम्बर हैं। और इसीलिए एक छोटा सा कॉम्पिटिशन रखा गया है बेंच प्रेस का, स्क्वाट का और डेड लिफ्ट का। तो डेड लिफ्ट और बेंच प्रेस मैं करूँगा नहीं क्योंकि मेरे शोल्डर पर इंजरी है आप लोगों को जैसे पता होगा। तो मैं स्क्वाट ट्राई करूंगा कि स्क्वाट कितना ले सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, एक बेनली आई हुई थी, बेनली 302, अभी सिंगल पीस चल रही है अंबिकापुर में। सो इस बाइक की बाइक मतलब असल में आया था एग्जॉस्ट के लिए, लेकिन भैया का जब हम स्लिप ऑन निकाले तो उनका जो कैटलेटिक रहता है उनको उसी का स्टॉक मतलब लगा हुआ रहता है कैटलेटिक, उसी का आवाज़ अच्छा लगने लगा। क्योंकि आजकल की गाड़ी में पहले आपका हेड पाइप रहता है, उसके बाद कैटलेटिक होता है, उसका स्लिप ऑन होता है। तो आप स्लिप ऑन निकाल दोगे तो भी कैटलेटिक के कारण अच्छा बेसी आवाज़ करता है, और ऊपर से बेनली तो फिर क्या ही बात है। तो एक बार साउंड सुन लीजिए स्लिप ऑन के साथ, उसके बाद भी और कैटलेटिक के साथ, कैट के साथ, हम शॉर्ट फॉर्म में कैट बोलते हैं उसको। और उसके बाद एक थोड़ा सा हाईवे चला के देखते हैं, फिर आप लोग बताइए कैसा है क्या, ठीक है। चला ली बाइक यार चलाने में क्या ही स्मूथ थी। फोर्थ गियर पे था मैं और 20 की स्पीड में कर रहा था। गाड़ी में उतनी नॉकिंग की आवाज़ नहीं आ रही थी। आरसी दूसरे गियर पे भी अगर 20 पे चलती है ना तो इसका इंजन किक करने लगता, थोड़ी सर्दी हो गई है तो थोड़ा सा उसको अवॉइड करेंगे, किक करने लगती है। तो यार काफ़ी मज़ा आ गया। अब बहुत वेट हो रहा है मेरे को अपनी बाइक का कि मैं मेरी बाइक भी कब आए ताकि मैं भी जल्दी से जल्दी चला पाऊँ और थोड़ा मज़ा उठा पाऊँ। सो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं जिम की तरफ, शाम का टाइम होने वाला है, जिम जा रहे हैं और स्क्वाड पार्टिसिपेट करेंगे। तो ज़्यादा रॉ फुटेज होने वाला है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसा क्या क्या हुआ है। और हम लोग काफ़ी सारे लोग थे तो, और काफ़ी सारे लोगों के बीच में भी हम लोग मतलब अच्छे से थोड़ा बहुत मेहनत किए थे, तो थोड़ा बहुत हम लोग भी मेथड आ गया।
पहले क्या हुआ कि चैलेंज राउंड में शायद मेरे को फर्स्ट निकाले थे, उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक लास्ट में चैलेंज हो गया था भैया की तरफ से कि चलो अब लास्ट एक बार चलो खींच के देखते हैं, तो उसमें मैं थर्ड आ गया, मैं हार गया। क्या एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा रॉड, मैं जब बैठ रहा था स्क्वाट के लिए पोजीशन बना था, तो रॉड मेरा हेड बेंड हो गया, तो चक्कर में दिक्कत हो गया। तो रॉ वीडियो है, इन्जॉय करिए, और बाकी जो भी पार्ट अच्छा लगता है आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी कैसा लगा आप लोगों को व्लॉग, व्लॉग ज़्यादा कुछ था नहीं यार, सही बताऊँ तो थोड़ा मैं बिजी रहता हूँ आजकल, क्योंकि शॉप के काम से शॉप में अकेले हो जाता हूँ, तो इस चक्कर से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि हर दो दिन में डालूँ, एक दिन में मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि सच में काम ज़्यादा है अभी फिलहाल के लिए। तो बेनेले की आवाज़ कैसी लगी, और स्क्वाड वाला पोजिशन, स्क्वाड वाला जो चीज़ थी, और आपका भाई थर्ड आया तो कंग्रेचुलेट कर दीजिए। सो कैसी लगी आप लोगों को व्लॉग आज की, व्लॉग अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर जाइएगा, ज़्यादा कुछ था नहीं लेकिन फिर भी जितना भी था आप लोगों का अच्छा लगा हुआ तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, टिल देन।